केसरिया बालम आओ बीच बसा है धार गांव, जहां पर
प्रकृति वैसे ही हमारे ऊपर मेहरबान है कि हम स्वस्थ रहें, स्वस्थ वायु लें। तो ये स्वर है यहाँ के निवासियों के लिए, और हम जो बाहर से स्थिति से प्रदूषण खा के आते हैं उनके लिए भी कि हम कुछ समय तो यहाँ पर आकर स्वस्थ वायु ग्रहण करते हैं। ये सब हमारे स्वास्थ्य के लिए है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के विचारों के अनुसार अगर भारत का हर व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो भारत तरक्की करेगा, उन्नति करेगा और हम फिर से विश्व गुरु बनेंगे। मैं ज्यादा नहीं कहते हुए स्वद्वम संभो मनासि जानतां देव भागम यथा पूर्वे संजारणा उपासते। इस प्रार्थना का यह अर्थ है हम सभी प्रेम से मिलकर चले, मिलकर बोले और सभी ज्ञानी बने, अपने पूर्वजों की बात ही हम सभी अपने कर्तव्यों का पालन करें। धन्यवाद महेंद्र जी सर, आपको वह व्यायाम करवाऊंगा जो कि दैनिक जीवन में हमारे काम आते हैं, हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं। हम सबसे पहले वैसे तो हमें अपने शरीर को अनुकूल करना चाहिए किसी भी कार्य को करने के लिए। उसके लिए हमें वैसे तो सुबह उठकर चलना चाहिए, जॉगिंग रनिंग करनी चाहिए, जिससे हमारा शरीर गर्म हो जाए, हमारा खून गर्म हो जाए। पहले ऊपर की ओर, धीरे धीरे ऊपर की ओर, फिर धीरे धीरे नीचे की ओर। हम महसूस करेंगे इसको, अनेकों गले की बीमारियां इन एक्सरसाइज से दूर होती हैं। पहले हम राइट साइड इस तरह से, फिर धीरे धीरे लेफ्ट साइड। गर्दन को आप पूरी रोटेट नहीं करें, केवल उसका खिंचाव वो है। आप गर्दन को बिल्कुल सीधा रख के और उसको अपने दाएं ओर झुकाएं, फिर बाईं ओर। देखिए आपके गर्दन में अत्यधिक खिंचाव महसूस होगा। कभी भी हमारे गर्दन में हाथ ऊपर की ओर, फिर साइड में, फिर से हमें जागरूकता फैलानी है कि हर घर में योग पहुंचे, स्वस्थ रहें। और इन फोटो निकालते रहते हैं जो हमें योगा कर रहे हैं, फोटो लेते फिर दूसरी ओर देखो। जहां तक संभव हो सके जो हाथ पीछे जा रहा है उसको देखें पूरा। हाथ कंधे के बराबर, भारी काम के लिए जाते हैं तो यही आगे वाले ही कहते हैं कि तेरे घुटनों में कितना दम। तो इसको मजबूत करने के लिए आप सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएंगे, हाथ आगे की ओर लेंगे दोनों, और फिर धीरे धीरे नीचे बैठेंगे जैसे कुर्सी पर बैठते हैं। मैं स्थानीय विद्यालय के छात्र मोहन को आगे आमंत्रित करता हूँ कि डेमोंस्ट्रेशन के लिए आगे आ जाए। मोहन राज्य स्तरीय खिलाड़ी भी है। थोड़ा पीछे चला जाए भैया, थोड़ा पीछे चला जाए मोहन भैया। दोनों हाथ आगे की ओर, जितनी देर रुक सकते हैं वहीं रखें और फिर धीरे धीरे दोबारा ऊपर उठेंगे।
प्रक्रिया को तीन बार करें क्योंकि समय कम है। और प्रत्येक क्रिया को आप तीन बार कीजिए। दूसरे पांव की जंघा पर आएगा और दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में, जैसा कि बहुत अच्छा आप लोग सभी बिल्कुल फिट हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना लगभग पूरा होने की ओर। देखिए, जिनसे नहीं होता है वो जबरदस्ती नहीं करें, क्योंकि शरीर का भार है और ले नहीं पाया तो इसमें घुटने नहीं मुड़ेंगे। और जहाँ तक संभव हो सके अपनी पिंडलियों को पकड़कर हमारी नाक को हमारे घुटने पर स्पर्श कराने का प्रयास करेंगे, दोनों पांव मिले हुए। बहनें, शिक्षिकाएं और छात्राएं भी बहुत तन्मयता के साथ ये कर रहे हैं। हमारे दिल में कुछ भी नहीं करना है आपको, सीधा बैठकर आंखों को आपके जो हमारे हिप हैं उनके नजदीक रखेंगे, नीचे की ओर उंगलियां आगे की ओर रहेंगी, नीचे बस, और शरीर आगे की ओर और पीछे की ओर। ऊपर नीचे करें जैसा कि तितली उड़ती है। भोजन करने के उपरांत भी किया जा सकता है, अन्यथा कोई भी ऐसा व्यायाम नहीं है जो भोजन करने के पश्चात किया जाए। इसका लॉजिक यह है कि जो हमारा पाचन क्रिया है वो तेजी से होती है, क्योंकि जो ब्लड का सर्कुलेशन और शरीर को पीछे की ओर झुकाएंगे। हाथ जमीन पर टच करेंगे और देखेंगे कि आपका पूरा शरीर जो पीछे से है वह खुल रहा है। यह स्थिति देखिए उत्तान मंडूका आसन का, जो हमारा उठा हुआ घुटना है उसके नजदीक से लाकर पीछे की ओर देखेंगे, और जो घुटना उठा हुआ है उसी घुटने की तरफ से पीछे की ओर देखना कि सर के नीचे, दोनों हाथों को आपके सर के नीचे, और हमारी गर्दन को एक तरफ घुमा लीजिए, दोनों हाथों को मिला लेंगे। यदि अवस्था में आ जाते हैं वैसा है ये, उंगलियों को जमीन से लगाएंगे, लेटे लेटे ही हाथ दोनों सीधा रखेंगे कंधे के बराबर खोलकर, और उसके पश्चात ऊपर की ओर देखेंगे। इसमें हम घुटने मुड़ेंगे नहीं, नाव की स्थिति कई बार बनती है इसमें, देखिए आप। जैसा बनता है पुलिया जैसी बनती है, उस प्रकार से हम अपने दोनों पांव को धीरे धीरे हमारे कमर के नजदीक लाएंगे, हाथों से पांव को पकड़ेंगे और बीच में से शरीर को ऊपर उठाएंगे। गर्दन वहीं रहेगी, गर्दन नहीं उठेगी, पुलिया बनानी है, बिल्कुल पुलिया बनानी है। पग पकड़ तो आप फोन बढ़ाओ ना, आधा ऊपर पूरा नहीं। यह जो व्यायाम है यह आपके सरदार सिंह जी भी, सरपंच साहब तो शुरू से फिट रहे हैं।
हमारे शरीर की ओर नाक की ओर लेके जाएंगे और सर को उठाकर नाक की ओर लगाएंगे बिल्कुल पकड़ कर, जैसा कि हाथ नीचे की ओर अकेलिया फेलिंग हुई तलवे पिंडली घुटना इस प्रकार से अपने शरीर के जो सर के बाल है वहां तक सोचेंगे, केवल ध्यान वहीं रहेगा श्वासों को धीरे धीरे लेकर। इसके पश्चात अनुलोम विलोम में अपनियों से दूसरी नासिका को बंद करें और दूसरी नासिका को छोड़ दें। इसके पश्चात आप उसी से आपको श्वास लेना है, दूसरे से छोड़ना है, इससे अल्टरनेट वर्क होता है इसके अंदर, क्योंकि जो जो फिट है वो पद्मासन लगा सकते हैं हाथों को सीधा, जैसे कि हमने ऋषि मुनियों को देखा है कि वे कैसे अपने ध्यान को एकाग्रचित करते हैं और बिल्कुल आंखें बंद करके सांसों को धीरे धीरे लेना है। अपने बालकों को अगर पढ़ाई में मन नहीं लगा है, आपका खुद का मन कहीं और इसके मानता है, हाथ को ऊपर नहीं ले, बिल्कुल अपने शरीर के ऊपर ही रख लें। करेंगे और उसे क्रमबद्ध तरीके से कर पाएंगे। आप अपने इष्ट देवता को भी याद कर सकते हैं। जैसा कि योग से क्या लाभ है, हमारे बीच में जगदीश जी दक्षा विराजे हुए हैं। आज से करीब 4 या 5 वर्ष की पुरानी बात होगी कि मेरे पेट में बहुत दर्द हुआ था और डॉक्टर साहब ने मेरा थोड़ा इलाज किया था, फिर बाद में डॉक्टर साहब ने कहा कि जांचें करा लो, तो मैंने वो जांचें कराई तो उसके अंदर पत्थर बताया था। डॉक्टर साहब ने काफी कहा था ये पत्थर को निकालना पड़ेगा नहीं तो ये अंदर गड़बड़ करेगा। फिर मैं स्वामी रामदेव जी के किसी पद से मिला और उन्होंने बताया कि आप ये बयान करोगे तो आपका ये पत्रिका का सिस्टम खत्म ही हो जाएगा। मैंने लगातार 6 महीने तक उस प्रयास को किया, व्यायाम किए, उठक बैठक की, थोड़ा पेट को अपना पीछे हाथ जैसे सर ने बताया था वैसा किया। लगातार हर क्रिया को मैंने 100-100 बार किया, हर क्रिया को, उठक बैठक की बात हो तो 50 तक, हाथ घुमाने की बात हो तो 100 तक, कमर घुमाने की बात हो तो 100, 50 इधर 50 इधर। आज 5 वर्ष हो गया मेरे को पत्रिका दर्द वापस आई नहीं और मैंने वापस डॉक्टर साहब को जांच भी नहीं दिखाई और न डॉक्टर साहब के पास वापस गया है। तो व्यायाम से मुझे लगता है बहुत सारे फायदे हैं। हम कभी कभी क्या समय नहीं निकालते, थोड़ा सा समय निकाल के गुरु जी ने हमको बताया कि ज्यादा नहीं 10 मिनट भी हमारे शरीर के लिए देंगे तो मुझे लग रहा है हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, अच्छा रहेगा। यही बात हमें हर नागरिक को, हर ग्रामवासी को, हर आदमी को बतानी है कि व्यायाम बुरी चीज नहीं है, व्यायाम एक अच्छी चीज है। आप जहाँ भी रहते हैं अपने क्षेत्र में छोटी छोटी इस तरह की लोगों को इकट्ठा करके व्यायाम कराएं तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी का सपना जो है वो जरूर साकार होगा। और एक विशेष सूचना यह है कि शनिवार को 23 तारीख को राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय ग्राम पंचायत बलीचा में विधिक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिस कार्यक्रम में न्यायाधिपति के जवेरी साहब जो कि हमारे विधिक सेवा के अध्यक्ष महोदय हैं वो स्वयं पधारेंगे और करीब करीब 200 करोड़ रुपए की योजना है लाभार्थियों को दी जाएगी। इसके साथ ही व्हील चेयर, साइकिल, ट्राई साइकिल, इसकी सूची तैयार कर ली गई है। आपको समय मिले इस कार्यक्रम में जरूर पधारें, ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है और विधिक सेवा गठन के बाद पहला कार्यक्रम इस तरह का उदयपुर में आयोजित होने जा रहा है, इसमें आपकी भूमिका जरूर निभाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे यहाँ के एक छात्र हिम्मत गमेती ने 78% मार्क्स, आप ये देखेंगे कि किस प्रकार से ये विद्यालय के कार्यों में डेवोटेड है। आपने ऊपर एक विद्यार्थी को देखा था जिसने भी योगा करवाया, मोहन, वो हिम्मत का ही छोटा भाई है। तो मैं
हिम्मत को आगे आमंत्रित करता हूँ कि सरपंच साहब से उपरना लेकर अभिवादन स्वीकार करें जोरदार तालियों के साथ। इसके पश्चात मैं आपको एक और सूचना जो कि अखबारों में आपने निरंतर पढ़ रहे होंगे कि खेल में भी हमारा विद्यालय निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। राष्ट्रीय स्तर पर हैंडबॉल में द्वितीय स्थान लेकर मैं आमंत्रित करता हूं दोबारा हिम्मत और चमन जी को कि वे आए और एक ग्रुप फोटो डॉक्टर साहब और सरपंच साहब के साथ। धन्यवाद सरपंच साहब और उनकी उन्नति के लिए प्रयास करते हैं। अब कुछ कारण रह जाते हैं कि कभी कभी उम्मीदों के अनुरूप निवेदन करता हूं कि आप और ग्राम पंचायत मदार के सरपंच साहब मिलकर बीच की सड़क को अगर उसका सुधार करवा दें तो इन बच्चों का भला भी हो जाएगा। प्रयासों में सहयोगी हैं आप सभी का धन्यवाद। इस कार्यक्रम को सफल बनाया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धार में विश्व योग दिवस मनाया गया जिसमें अनेकों अनेक ग्रामवासी पूर्ण उत्साह के साथ सम्मिलित हुए और उन्होंने संकल्प लिया कि वे पूर्ण निष्ठा के साथ स्वयं को तो स्वस्थ रखेंगे ही और देश को भी स्वस्थ बनाने में पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत में स्थानीय ग्राम के सरपंच मुख्य अतिथि शांतिलाल जी गमेती ने माँ सरस्वती को दीप प्रज्वलित कर उसका उद्घाटन किया। तत्पश्चात स्थानीय विद्यालय के प्रधानाचार्य मनोहर सिंह जी ने सभी अतिथियों का उपरना उड़ाकर स्वागत किया। सभी ग्रामवासी इस बात से बहुत उत्साहित हैं कि स्थानीय विद्यालय में रिजल्ट अच्छा रहा और यहाँ के विद्यालय के छात्र खेलकूद में भी उत्कृष्ट उपलब्धियों को की ओर अग्रसर हैं। मैं सभी ग्रामवासियों का तहे दिल से आभारी हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। नीरज बत्रा शारीरिक शिक्षक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धार संपूर्ण देशवासियों को हमारी पारंपरिक विरासत योग के उपलक्ष्य में योग दिवस के उपलक्ष्य में सभी को बधाइयां प्रेषित करता हूं कि स्वस्थ रहें और अपने देश को आगे बढ़ाएं। आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में हमारे ग्राम पंचायत के समस्त ग्रामवासियों ने मिलकर सभी ने योग किया और सभी ने शांतिपूर्वक कार्यक्रम को सफल बनाया। योग करने से शरीर एकदम स्फूर्ति रहती है और तनाव भी महसूस नहीं होता है। योग करना जरूरी होता है। योग दिवस पे अपने सभी ग्रामवासियों ने सरपंच साहब ने सभी लोगों ने मिलकर बहुत बड़ा अच्छा योगदान किया। अच्छा योग शिविर रहा जिसमें करीबन संख्या 200-250 के आसपास रही। इसी तरह से मैं कहता हूँ कि ग्रामवासियों को सचेत होकर प्रतिदिन योग करना चाहिए। उस योग से काफ़ी कुछ तरह की बीमारियों में अपन लाभान्वित होते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का महत्वपूर्ण सपना है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। किसी भी देश की तरक्की तभी संभव है जब वह स्वच्छ हो और स्वस्थ हो, वहाँ का प्रत्येक नागरिक स्वस्थ हो और इसी के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रारंभ हुआ और पिछले 4 सालों से प्रतिवर्ष योग दिवस के उपलक्ष्य में योग का आयोजन किया जाता है। आज यहाँ दादगाँव में गाँव के जनप्रतिनिधियों ने ग्रामीणों ने विद्यालय के छात्र छात्राओं ने और यहाँ पर कार्यरत सभी कर्मचारियों ने इस योग दिवस के ऊपर योग क्रियाओं में भाग लिया और मैं समस्त ग्रामवासियों को धन्यवाद देते हुए सभी के स्वस्थ जीवन की मंगल कामनाएं करता हूँ और वे इस योग को केवल योग दिवस के साथ ही समाप्त नहीं करें अपितु इसको वर्ष पर्यंत लगातार जारी रखें और स्वस्थ रहें इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ। धन्यवाद। पूरा मैं दिलीप कुमार मेहता व्याख्याता
राव माविधार। लोग से फायदे आज को समझ में आए? हाँ फायदे। क्या क्या समझ में आए? थोड़ा दर्द वर्द ये सही होता है नहीं होता है। हाँ, अब बच्चे के बारे में बताए कैसे मेहनत की इसने, कैसे फाइट की? मेहनत तो मारा चाहिए तो। माता पिता सबसे बड़े संरक्षक होते हैं, माता पिता ही बता सकते हैं। हिम्मत गमी। आप रो चमनलाल। मैं श्रीमान सोहनलाल दार पंचायत होना मंडल से मंत्री पद से उपस्थित हूँ। और हमारा इसी योग दिवस में, हमारा पंचायत में जो योग दिवस मनाया गया उसमें हमारे सबसे श्रेष्ठ ये अच्छा लगा कि इसी योग दिवस में हमारे जो आत्मा का जो जगह जगह पे जो बंधन है वो बंधन खुलने में बहुत आसानी रहता है। हर ज्ञान के लिए, हर मार्ग के लिए, हर कार्य करके उसे कार्य में अपन को इसी योग करने से बहुत बड़ा लाभ होता है। इसीलिए मैं इसी कड़ी में यही प्राप्त करके धन्यवाद देना चाहूँगा। नमस्कार। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पावन पर्व पर ग्राम पंचायत धार के अंदर एक विधिक जागरूकता शिविर के माध्यम से योग के बारे में किस प्रकार जो फायदे होते हैं, योग करने से आदमी कैसे हेल्दी और फिट रहता है उसके बारे में यहाँ शारीरिक शिक्षक साहब ने बहुत ही अच्छे से सभी को बताया, बहुत अच्छे से योग करवाया। इस दौरान यहाँ पर जो योग से जो लाभ होने वाली जो जानकारी है वो भी प्रदान की गई कि योग करने से अगर शरीर में कोई छोटी मोटी बीमारियाँ हैं, बड़ी बीमारियाँ हैं, पेट की बीमारियाँ हैं, गैस की बीमारियाँ हैं, घुटनों की बीमारियाँ हैं, सर की बीमारियाँ हैं, टेंशन की बीमारियाँ हैं, ऐसी कोई भी बीमारी है तो वो योग द्वारा दूर की जाती है। और ये योग निरंतर हर व्यक्ति को करना चाहिए। योग बुरी चीज़ नहीं है, योग एक बहुत अच्छी चीज़ है और शरीर के लिए तो बहुत ही लाभदायक चीज़ है। योग करना चाहिए। और योग के साथ साथ जो खान पीन है उसमें भी व्यक्ति को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ऐसी जानकारियाँ यहाँ पर प्रदान की गई। धन्यवाद। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने, दुनिया को पहले सिखलाई, देता न दशमलव भारत तो, यूं चांद जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था, सभ्यता जहां पहले आई, सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया, भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। चुप क्यों हो गए? और सुनाओ। हैप्पी जहां की रीत सदा। जहां की रीत सदा है प्रीत, जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहां की रीत सदा। से हमारा नाता है, कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है,
मान चुकी सारी दुनिया हो जिसे मान चुकी सारी दुनिया। मैं बात वही दोहराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, हमने तो दिलों को जीता है। जहां राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन है लोग जहाँ, इतने पावन है लोग जहाँ। मैं नित नित शीश झुकाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। माता कह के बुलाते हैं, कितना आदर इंसान तो क्या, पत्थर भी पूजे जाते हैं। उस धरती पे मैंने जन्म लिया, उस धरती पे मैंने जन्म लिया। ये सोच के मैं इतराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें। हम चाहें तो पैदा कर दें चट्टानों में राहें, हम चाहें तो पैदा कर दें चट्टानों में राहें। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। एक
अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल वैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना, अपना सुख भी एक है साथी, अपना दुख भी एक, अपना सुख भी एक है साथी, अपना दुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना।